सबको आदाब। आज क्राइम नंबर 238/22 जो एक मर्डर केस हुआ था 14 सितंबर को या बहादुरपुरा क्रॉस रोड, हसन नगर क्रॉस रोड पे, उसका जो अक्यूज है आज उनको पकड़ा, कल रात को पकड़ा था और आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये कंप्लेंट का है, ब्रीफ है। महराज बेगम ने कंप्लेंट दिया, उनका पति को उनका बांजी दामाद जो है जाबिर ने मारा, मर्डर किया। उसमें ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस पे जाएंगे तो एक्चुअली इश्यू क्या है, उनका बांजी और बांजी का शादी हुआ 2014 पे हुआ था। उसके बाद उनका बांजी दामाद और उनका जो कंप्लेंट का पति है उसका नाम बाबू खान है, उसके दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन उनका बांजी जो जरीना बेगम है उन्हें उनका पति के साथ झगड़ा हुआ था, तो वो झगड़ा में बोला कि तुम मेरे को हरास कर रहे हो तो मेरा जो अंकल है बाबू खान को इन्फॉर्म करूंगा। तो उस ग्रज पे ये अक्यूज जो है मोहम्मद जाबिर और उनका चार पांच बाकी दोस्त से मिलके उनको ऋषि को मार दिया, हसन नगर क्रॉस रोड पे मारा था। रात को 8:30 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें अक्यूज जो पर्सन से मोहम्मद जाबिर अलियास जाबिर जो चंद्रयान गुट्टा का रहने वाला है, राउडी शीटर राजेंद्र नगर पीएस में, राहुल राज अलियास राखी, ये नेटिव अमरावती जिले का है, महाराष्ट्र स्टेट से, और मोहम्मद उमर खान ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाला, मोहम्मद उस्मान ये पहाड़ी शरीफ का रहने वाले, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद कादर बाकी भी पहाड़ी शरीफ के रहने वाले। इन लोग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको देता हूँ। ये अक्यूज देवान है, जाबिर है, ये एक मुर्तुजा पहलवान गैंग बोल के राजेंद्र नगर पे उसके साथ काम करते थे, बट 2016 में इन लोग का थोड़ा फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ गया तो सेपरेट होकर अपना गैंग मेंटेन कर रहा था। वो चार मर्डर केसेस हैदराबाद और साइबराबाद में चार मर्डर केसेस पे इन्वॉल्व है। और ये बाबू खान अक्यूज रॉडी शीटर है, उनका रिलेटिव भी था। और दूसरा A2 है, राहुल राज अलियास राखी जो है, ये वरुद पुलिस स्टेशन अमरावती का रहने वाला है। ये वहाँ पांच क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट, शिवसेना वाइस प्रेसिडेंट जो है योगेश गरात, उसके ऊपर अटैक, कंट्री मेड पिस्टल से अटैक किया था और वहाँ से भाग के आके यहाँ पे रह रहा था और A1 के गैंग पे रह रहा था। इन लोग को अपना इन्फॉर्मेशन से पकड़ा था। ये इतने दिन जाबिर और बाकी गैंग कोतगुड़म पे इतने दिन शेल्टर पे रह के कल रात को आए थे और हमारे इन्फॉर्म कल शाम को आए थे, हमारा इन्फॉर्मेशन से हम लोग जाके रेड किया था उसके घर में। ये 6 लोग मिला और उसके साथ साथ 4 नाइफ, 4 चाकू, 2 कंट्रीमेड पिस्टल्स, 6 राउंड और 2 नकल पंचेस और 6 मोबाइल फोन्स मिला उन लोग के, उन लोग से रिकवर किया। इन लोग के ऊपर जो वेपन्स जो रिकवरी है उसके करस्पॉन्डिंग केसेस भी बुक कर रहे हैं। और ये सारी ऑपरेशन जो है ACP चारमीनार भिक्षम रेड्डी का निगरानी में हुआ और इसमें सुधाकर इंस्पेक्टर बहादुरपुरा, DI राजू, SI नरसिम्ह राव और PCs महेश, काजा, नागराजू, अरुण और प्रियंका बहुत मेहनत करके इन लोग को अक्यूज को पकड़ा। इन लोग को सभी को हमारे पुलिस हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से कंग्रेचुलेशन कर रहा हूँ। और ये मीडिया की तरफ से, मीडिया की हमारा दोस्तों से, मीडिया दोस्तों से ये गुजारिश कर रहे हैं, जब भी कोई क्रिमिनल एलिमेंट आपके नज़र पे आए और कोई बाहर से रहने वाला यहाँ पे आए तो प्लीज़ तुरंत का तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हम लोग उनके ऊपर इंक्वायर करके जो एक्शन, जो करस्पॉन्डिंग एक्शन भी लिया जाएंगे। थैंक यू। राहुल राज जो है अमरावती केसेस में रिमांड हुआ है या ना? अब्सकॉर्डिंग है। ये साइबराबाद राजेंद्र नगर लिमिट्स पे रहते हैं, वो वहाँ का रॉडी शीटर है। अभी उनका वाइफ यहाँ पे चंद्रयान गुट्टा पे रहते हैं। तो सर्वेलेंस कैसा था बुलो का ना इधर? तो सर्वेलेंस एंटी सोशल एलिमेंट हर जगह पुलिस करना है, ये वो राजेंद्र नगर या साइबराबाद नहीं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब करना चाहिए। सर, मर्डर का मेन मोटिव क्या है और इनके कुछ रिवेंज है क्या इसका? नहीं, वही बोला था ना, मेन मोटिव ये था कि पहले से दोनों के बीच में थोड़ा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस भी है और साथ साथ जैसे कि उनका जैसे कंप्लेनेंट या डिसीज का बांजी और जो अक्यूज दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था
तो झगड़ा पे इसने वो ग्रज बेर करके जो अक्यूज को मार दिया था। तो वही तो पहले पुराना ये एनिमिटी है, वही तो बोल रहे हैं हम लोग पुराने। ये A2 से निकला, A2 का पोजीशन से निकला। नहीं, ये मर्डर वाला नहीं है, ये उन लोग का घर से उस बंदे से रिकवर किया है सारे सामान। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का सिचुएशन है, वाइस प्रेसिडेंट पे इसमें फायरिंग किया था और उसका उसके बाद वहाँ से अब्सकॉन्डिंग करके यहाँ पे भाग के आ गया।